मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। अक्षय कुमार ने वैसे अनाउंस कर दी अपनी फिल्म पृथ्वीराज चौहान, वो भी दिवाली 2020 के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चिंता का विषय ये भी है कि उस वक्त रिलीज होने वाली है कंगन रनावत की आने वाली फिल्म धाकड़, जिसका मोशन पोस्टर एक टीजर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक दबंग वाला क्लैश होने वाला है, यानी कि एक धमाकेदार वाला क्लैश होने वाला है कंगन रनावत वर्सेस अक्षय कुमार को लेकर। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सवाल तो पूछना सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही फिल्में अनाउंस हुई है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने में हर चीजों में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये जरूर उठता है कि क्या कंगना रनावत की फिल्म पीछे हटेगी या फिर अक्षय कुमार की फिल्म पीछे हटेगी या आगे पीछे होगी, क्योंकि आयुष शाह बहुत ही जल्द अपनी फिल्मों को डिले नहीं करता है। वहीं अगर बात करें कंगना रनावत भी उनका भी एक अपना लहजा है, उनका भी अपना एक तरीका है, यानी कि अगर उन्होंने तय कर दिया इसी डेट को आएंगे तो उसी डेट को ही आएंगे। तो यहाँ पर एक तगड़ा क्लैश तो बनने वाला है, इतना तो मान के चलो। दिवाली का ऐसा वक्त है जहां पे दो फिल्म एक साथ क्लैश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सवाल वही उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में अगर होगी, क्योंकि कंगना रनौत की भी कोई छोटी फिल्म नहीं, लगभग 150 करोड़ उसका बजट होगा और इसका भी पृथ्वीराज चौहान का 200 करोड़ के ऊपर का बजट होगा, सीधी सी बात है। तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म अगर क्लैश होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आपसे यही सवाल है मेरा कि क्या लगता है इस क्लैश से किसको नुकसान होगा, क्या होगा, क्या कंगना पीछे करेगी अपनी फिल्म या फिर अक्षय कुमार, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।